अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी ड्राइव्स पे पासवर्ड लगा सकते हैं, किस तरह से अपनी ड्राइव को पासवर्ड लगा के सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अच्छा देखें, यहाँ पे मेरे पास तीन ड्राइव शो हो रही हैं, लोकल डिस्क सी डी और एफ, जो कि सी डी रोम है। मैं चाहता हूँ मुझे ये जो मेरी ड्राइव है लोकल डिस्क डी, इस पे मुझे लगाना है पासवर्ड, कि जब भी मैं इसको ओपन करूँ तो सबसे पहले वो मुझे इसमें जाने से पहले, इसके अंदर ओपन करने से पहले पासवर्ड मांगे। तो ये किस तरह से होगा देखें, अभी जब मैं इसको ओपन किया, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, ये देखें। ठीक है, तो ये पासवर्ड किस तरह से लगेगा, सिंपल, जिस ड्राइव पे आपको पासवर्ड लगाना है उस पर आप करें राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया होगा टर्न ऑन बिट लॉकर, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, बिल्कुल इसको हम कर देंगे यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। ठीक है, इसके बाद ही हमसे मांग रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसे पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं। और कंफर्म पासवर्ड दे देते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद इसे कर देते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, जो भी पासवर्ड दें आप उसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस ड्राइव को आप फिर इस दोबारा इसका पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते। और कुछ करके आपने कर भी लिया इसे, वैसे तो कोई भी बड़ा सा बड़ा हैकर या आप खुद भी कुछ भी करके इसका पासवर्ड जो है क्रैक नहीं कर सकते। और चले मान लिया अगर आपने कर भी लिया, तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा आपका वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो आपको वो ओपन नहीं होगा। या दूसरी चीज़ ये कि इससे आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो भी करप्ट हो सकती है। तो देखेंगे, जैसे ही हमने उस पर नेक्स्ट किया, ये हमसे बोल रहा है कि भाई आप जो है अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो उसकी रिकवरी की आप सेव कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं इसने कि आप किस टाइप में आप अपनी रिकवरी की को सेव करना चाहते हो, कि प्रिंट करवाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, किसी यूएसबी में सेव करना चाहते हो, या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे सेव करना चाहते हो। क्योंकि ये जो बिट लॉकर है ये मामूली कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो अगर आपका इसमें इम्पोर्टेंट डेटा हो तो मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप इस पर पासवर्ड लगाइएगा, और जो पासवर्ड लगाएं उसे कहीं ना कहीं लिख भी लीजिएगा और रिकवरी की सेव भी कर लीजिएगा। अब रिकवरी की कैसे सेव करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल, मैं इसको कर रहा हूँ सेव टू फाइल। अच्छा, ये पूछ रहा कहाँ करना चाहते हो, मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, और इसी के नाम से कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब देखें, हमसे पूछ रहा है कि भाई आपकी ड्राइव में जो भी डेटा है वो क्या करना है उसका। इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली फास्टर एंड बेस्ट फॉर न्यू पीसीज एंड ड्राइव, या इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव स्लो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट इनक्रिप्टिंग। अब आपकी ड्राइव में जितना डेटा होगा ये उसी के मुताबिक आपकी ड्राइव में जो ये जो लोडिंग हो रही है इनक्रिप्ट वाली, ये जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा इनक्रिप्ट होने में टाइम लगेगा, कम डेटा होगा कम स्पेस होगा तो ये ईजीली जल्दी से हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, हमारी जो इनक्रिप्टिंग की लोडिंग है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। मुझे इसमें सिर्फ हमारे कंप्यूटर में जो ये लोडिंग हो रही है इसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं। तो अगर आपके पीसी में ये ज़्यादा देर लगा है तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि देखें मेरे पास जो मेरी ये ड्राइव है इसका टोटल स्पेस है 99.9 GB। ठीक है, जिसमें से फ्री स्पेस मेरे पास कितना है 84.3, इसलिए मेरे पास इसमें कम ही डेटा रखा हुआ है। तो इसलिए ये जो लोडिंग है ये काफ़ी जल्दी हो गई है इनक्रिप्टिंग की। और अगर आपके पास आपकी ड्राइव में फुल ड्राइव हुई हुई है आपकी,
या उसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है तो उसमें मे भी टाइम लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है, दो घंटे भी लग सकते हैं, या अगर आपके पास आपकी ड्राइव में डेटा कम है तो वो 5 से 10 मिनट में इनक्रिप्ट करके आपको लोडिंग कम्प्लीट करके दे देगा। परेशान नहीं होइएगा आप, अगर टाइम ज़्यादा लगे तो इस लोडिंग को होने दीजिएगा, प्रोसेस होने दीजिएगा, कैंसिल नहीं करिएगा, क्लोज नहीं करिएगा, वो इनक्रिप्टिंग कर रहा होगा, इनक्रिप्टिंग करने के बाद वो आपको इनक्रिप्ट करके दे देगा बिल्कुल। अच्छा, हमारी लोडिंग जो है हो गई कंप्लीट, इनक्रिप्टिंग ऑफ डी इज कंप्लीटेड, ठीक है, क्लोज कर देंगे इसको। क्लोज करने के बाद देखें, ये थी हमारी लोकल ड्राइव, इस तरह से आ रही थी, मतलब जब हमने इसको इनक्रिप्ट किया, पासवर्ड लगाया इस पर, देखें यहाँ पे आपको एक ड्राइव के ऊपर लॉक ताले का आइकन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो कि फ़िलहाल अभी चाबी लगी हुई है इसमें और ये अनलॉक है, ठीक है, तो ये लॉक कब होगा। अब मैं आपको करता हूँ अपना पीसी रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, मतलब जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, हमारी जो ये ड्राइव है इस पर ये लॉक हुई हुई होगी, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। चलिए मैं आपको इसको रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, लोडिंग रुक जाएगी, जब ये फिर ओपन होगा फिर मैं आपको फिर से करके दिखाऊँगा क्या होगा। रीस्टार्ट कर, अच्छा जी, हमारा पीसी जो है ये रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही हमारी वो फाइल जो हमने रिकवरी की सेव की, इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। कंप्यूटर में चलते हैं, कंप्यूटर में जाने के बाद देखें ये हो गई हमारी ड्राइव भी अब सिक्योर। देखें ना यहाँ पे डेटा आपको नज़र आ रहा है और ना ही इसका कितना स्पेस है या हमने इसमें कितना डेटा रखा हुआ है ये शो हो रहा है। तो देखें जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये मुझसे मांगेगा पासवर्ड कि भाई आपने जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप डालो ताकि आप इस ड्राइव को ओपन कर सको। मैं डालता हूँ पासवर्ड, मैंने कंफर्म पासवर्ड डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ अनलॉक। आप देखें ये जो मैंने इस पर किया अनलॉक, अनलॉक करने के बाद अब मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ और साथ साथ यहाँ जो येलो कलर का गोल्डन कलर का ताला आ रहा था वो कन्वर्ट हो गया सिल्वर कलर में, मतलब कि अब ये आपकी ड्राइव जो है अनलॉक हो गई है। ये फिर कब लॉक होगी, जब आप इसको रीस्टार्ट करोगे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब आपको मैं एक और दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करने के बाद फिर ओपन करता हूँ, फिर ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस रिकवरी की का क्या यूज़ होगा, किस तरह से इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, मैंने अब इसको फिर से रीस्टार्ट कर लिया, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कंप्यूटर में जाके। ये देखिए हमारी ड्राइव जो है फिर से लॉक हो गई है, मैंने इस पर किया डबल क्लिक इसको अनलॉक करने के लिए। और अब मान लीजिए कि आप जो है इस ड्राइव का पासवर्ड भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा कि इसमें आपने पासवर्ड क्या लगाया था, ठीक है, मैंने इसमें गलत पासवर्ड दे दिया है, देखें दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये अनलॉक नहीं होगी, देखें, क्योंकि इसमें हमने दिया हुआ है, देखें पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, क्या आपने पासवर्ड गलत डाला। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें मोर ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है इंटर रिकवरी की, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपसे मांगेगा कि ये बोल रहा है कि भाई 48 डिजिट्स की जो आपकी रिकवरी की है जो इस ड्राइव को अनलॉक कर सकती है वो आप यहाँ पे डाल दें। तो वो अब आपको कहाँ से मिलेगी, ये जो हमने फाइल सेव की थी ये वाली, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद ये जो है ये रिकवरी की नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है, इसको नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये रही आपके पास रिकवरी की और ये रही रिकवरी की, इसको कर लें कॉपी कंट्रोल सी से। कॉपी करने के बाद आप आ जाएँ अपनी ड्राइव पे, डबल क्लिक करें ड्राइव पे, मोर ऑप्शन और इंटर रिकवरी की, और यहाँ पे उसे कर दें पेस्ट कंट्रोल वी से। अब जैसे ही आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अनलॉक करें। अब ये देखिए
हमारी जो ड्राइव है वो अनलॉक हो गई है, अब इसे हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बिट लॉक हमने लगा तो दिया, अब इसको हम हटाएंगे कैसे। हमने केस पे राइट क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है चेंज बिट लॉकर पासवर्ड या मैनेज बिट लॉकर। मैं जा रहा हूँ मैनेज बिट लॉकर में। मैनेज बिट लॉकर में जाने के बाद ये आ गए हमारी वो ड्राइव जिस पे हमने पासवर्ड मतलब बिट लॉकर ऑन किया। इस पर मैंने क्या सिंपल क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं सिंपल इसको बिट लॉकर को ऑफ करना चाहता हूँ, टर्न ऑफ बिट लॉकर। क्लिक करा मैंने इस पर। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि भाई हाँ कन्फर्म हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं बिट लॉकर को ऑफ कर रहा हूँ। इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो है आपकी जो ड्राइव है ये हो गई नॉर्मल। चेक कर लेते हैं, ये देखें, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी ड्राइव पे पासवर्ड लगा सकते हैं और इसी तरह से हम अपनी USB ड्राइव जो होती है हमारे पास, जो कि जब हम USB इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इसी तरीके की ड्राइव एक आ रही होती है जिसमें हमारे पास डेटा होता है, तो हम उस पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ये वाली वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।